बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, HTML ट्यूटोरियल सीरीज के साथ मैं मोहम्मद सफद डोगर। तो व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने टेबल पढ़े थे, टेबल के बारे में पढ़ा था कि उसकी अगर हमने सेल पैडिंग सेट करनी हो या आपने उसकी सेल स्पेसिंग सेट करनी हो तो कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टेबल रो स्पैन एंड टेबल की कॉलम स्पैन कैसे करते हैं इन HTML के थ्रू। तो देखते हैं व्यूअर्स, द रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज्ड व्हेन ए सेल शुड स्पैन अक्रॉस मोर देन वन रो। रो स्पैन आप उस वक्त व्यूअर्स यूज़ करते हैं जब आप एक रो को आगे दो या दो तीन चार पांच रो के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, स्पैन करना चाहते हैं। तो कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट यूज्ड व्हेन ए सेल शुड स्पैन अक्रॉस मोर देन वन कॉलम। अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम को स्पैन करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कॉलम स्पैन यूज़ करेंगे। तो फिर इसकी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं एक टेबल बनाता हूँ, टेबल का टैग लगाया, उसका बॉर्डर मैंने सेट कर दिया वन, टेबल को क्लोज कर दिया, तो व्यूअर्स ये मेरा एक टेबल जो है ना, ये समझ ले विजिबल हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स मैंने एक TR रो बना दी और उसके अंदर मैंने टेबल डाटा कर दिया नेम। तो जैसे मैं करूँगा तो ये देखें मेरा ये एक रो के अंदर TD पहला जो है ना नेम आ गया और इसको साथ मैंने कर दिया रो स्पैन। और ये वाली आगे वाली जो रो है ना, ये दो रो के तौर पे डिवाइड हो जाएगी। तो देखें, जैसे मैंने किया TD कॉल स्पैन टू सब्जेक्ट, तो ये देखें इस रो स्पैन की वजह से व्यूअर्स जो हमने रो स्पैन टू लिया हुआ है, इसकी वजह से क्या किया, इस रो को आगे फिर दो रोज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, ये देखें दो रोज़। और फिर मैंने कर दिया TD कॉल स्पैन टू, कि इस कॉलम को आगे फिर दो कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। देखें जैसे मैंने, अब ये तो एक TR आ गई, अब ये दूसरी TR जब होगी तो इसके अंदर आ जाएगा TD C++। तो ये देखें इसका पहले कॉलम के अंदर क्या आ जाएगा, C++ आ जाएगा और दूसरे कॉलम के अंदर आ जाएगा Java आ जाएगा। फिर मैंने TR लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक नीचे जो है ना वो TR बन जाएगी और उसके पहले TD के अंदर क्या आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा मुबशर, नेम क्या आ जाएगा मुबशर आ जाएगा। और TD 75 तो C++ के नीचे क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा और जावा के नीचे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपने रो स्पैन को और कॉल स्पैन को आप कैसे समझने का यूज़ करते हैं। मीन्स कि आपने एक रो ली, इस रो को आपने इस नेम के बाद आपने इसको दो रो के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, नेम के साथ आपने लिख दिया रो स्पैन टू। और सब्जेक्ट को आप एक कॉलम को दो कॉलम के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉल स्पैन टू आ जाएगा और साथ में अपने सब्जेक्ट लिख। इस तरह व्यूअर्स हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक टेबल्स है जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर, नेम, उसके बाद मार्क्स है, मार्क्स किसके से जावा के, C++ के, जावा के, और उसके अंदर क्लास आ जाएगा। रोल नंबर वन है, नेम मुबशर जमील है, C++ के ये मार्क्स हैं, जावा के ये मार्क्स हैं और क्लास उसकी PhD आ जाएगी। रोल नंबर टू है, नेम इसका राणा शेजंग साहब है, C++ उसकी 77 है, ये आ जाएगा और MSc मैथ है और नीचे हमने लिख दिया है जिसकी ये मार्क्स। तो व्यूअर्स इसको मैं स्टार्ट से अगर करता हूँ तो ये देखें व्यूअर्स मैंने क्या किया, एक टेबल का टैग लिया, बॉर्डर वन कर दिया, अलाइंस को सेंटर कर दिया, कॉल स्पैन इसकी 20 कर दी और सेल स्पैन कर दी। तो अगर मैं व्यूअर इसको रिफ्रेश करता हूँ या इसको मैं करता हूँ तो ये देखें एक टेबल, उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे व्यूअर्स TR और यहाँ पे मैं TR को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें मैं टेबल हेडिंग देता हूँ, टेबल हेडिंग और यहाँ पे मैं करता हूँ रोल नंबर। अब रोल नंबर के बाद मैं लेता हूँ व्यूअर्स नेम और यहाँ पे TH को क्लोज करता हूँ और व्यूअर्स यहाँ पे मैं लेता हूँ मार्क्स TH मार्क्स और सबके एंड पे मैं कर देता हूँ TH कर देता हूँ उसके ये आ जाएगा मेरे पास व्यूअर्स क्लास।
अब व्यूवर्स इसको मैं करना चाहता हूँ रोज़ पैन टू कर दें, इसी तरह नेम वाले को भी क्या कर दें रोज़ पैन टू कर दें, और जब मार्क्स के आए तो इसको कर दें हम कॉल्स पैन टू कर दें, और ये जो मेरा क्लास है इसको भी मैं क्या कर दूँगा रोज़ पैन टू कर दूँगा। तो इसको व्यूवर्स अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे रोल नंबर नेम मार्क्स और क्लास आ। अब व्यूवर्स जो दूसरी मेरी टीआर आएगी तो उसके अंदर दो ही रिकॉर्ड आएंगे, वो रिकॉर्ड कौन कौन से होंगे व्यूवर्स, वो मेरे रिकॉर्ड होंगे सी प्लस एस एंड जावा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टी डी सी प्लस प्लस और साथ में करता हूँ टी डी जावा। इसको सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें रोल नंबर नेम मार्क्स सी प्लस प्लस जावा। तो उसके बाद भी बस मैं एक और ले लेता हूँ जी टी आर और रोल ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं करता हूँ टी डी, रोल नंबर मेरा 10 है, उसके बाद मैं टी डी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम करता हूँ राणा शेरजा और उसके बाद दो मार्क्स आएंगे एक सी प्लस एस के और एक आ जाएंगे जावा के, और उसके बाद उसकी क्लास आ जाएगी पीएचडी। इसको सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे यहाँ। तो व्यूवर्स ये जो मेरी पहली जो है ना रोज़ है इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है ना मैं कर देता हूँ ये वाला कर देता हूँ, और जो मेरी दूसरी मेरी रोज़ है बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ ये वाला कर। इसके बाद मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो ये देखें ये मेरा टेबल शो होना शुरू हो गया, और यहाँ पे भी मैं इसका बीजी कलर को यही वाला पेस्ट कर देता हूँ ठीक हो गया व्यूअर्स। इसका बल्कि कलर जो है ना मैं कोई और कर देता हूँ, इसका कलर हम सेव करते हैं ठीक है, और ये जो हमारा टेबल है इसका भी जो बीजी कलर है हम कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए। इसी तरह व्यूअर्स ये आखिरी वाली जो रो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, मैं करता हूँ जी इसका रोल नंबर 11 है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी डॉगर 86 हैं 88 हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ फिल कर देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो व्यूवर्स एक रो मेरी नीचे और आ जाएगी। अगर व्यूवर्स मैं इनके यहाँ पे सेल स्पेसिंग को 10 कर देता हूँ सॉरी पैडिंग को 10 कर देता हूँ, सेल स्पेसिंग को भी 10 कर दूँगा तो ये टेबल की शेप कुछ इस तरह से शो होनी शुरू हो जाए। तो ये देखें व्यूवर्स मेरा रोल नंबर नेम ये मेरी एक रोज़ थी, आगे रोज़ को मैंने रोज़ पेन टू कर दिया तो ये दो रोज़ बन गई, और मार्क्स वाले टीडी को मैंने क्या कर दिया है कॉलम स्पेस टू कर दे कॉल स्पेस टू कर दे तो ये दो कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और क्लास के टीडी को मैं क्या कर दूँगा रोज़ पेन टू कर दूँगा तो ये भी दो रोज़ को इकट्ठा कर देगा। अब नीचे व्यूवर्स मैं लेता हूँ टी आर और यहाँ पे टी आर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यूवर टी डी और यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स
रिपोर्ट। अब व्यूवर्स मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने कॉलम है, ये कॉलम 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कॉल स्पैन 5, तो ये मेरा आ जाएगा मार्क्स रिपोर्ट आ जाएगी। और इसका मैं कर देता हूँ भी अलाइन सेंटर, सॉरी स्टाइल के अंदर जाके मैं इसका कलर जो है ना वो वाइट कर देता हूँ। इसको मैं व्यूअर्स रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा राइट की बजाय अगर मैं इसको रेड कर दूँगा, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा मार्क्स रिपोर्ट। यानी कि मैंने इसको एक ही यानी कि कॉलम के अंदर शो करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाले कॉलम कितने की तादाद है 5 है, उसको मैं क्या कर दूँगा कॉल स्पैन 5। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके अल्लाह।